इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम कोई भी वीडियो का एक्सटेंशन VLC मीडिया प्लेयर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक वीडियो है जो कि बहुत ही छोटा है, ताकि मैं आपको ये प्रोसेस बहुत जल्दी करके दिखा सकूं। तो आपको पहले VLC मीडिया प्लेयर ओपन कर लेना है। अगर आपके पास VLC मीडिया प्लेयर नहीं है तो आपको बस क्रोम में जाके VLC मीडिया प्लेयर लिख के सर्च करना है, पहला जो वेबसाइट आएगा वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको पहले मीडिया में जाना है, देन यहाँ पे कॉन्वर्ट एंड सेव का ऑप्शन दिखेगा नीचे से चार नंबर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे पहले से इसको एक बार ट्राई किया था तो इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ऐसे इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, उस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जिसका एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हो। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे बस ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है एंड कॉन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, बस आपको ये चेक करना है कि आपका ये फॉर्मेट सिलेक्टेड है कि नहीं, वीडियो H.265 प्लस MP3 देन इन ब्रैकेट MP4, ठीक है। देन उसके बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि MP4 सिलेक्ट है। एंड यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी एक एक्सटेंशन पे चेंज कर सकते हो, जैसे हो गया FLV, AVI, MKV। तो मैं यहाँ इसको AVI में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक डेस्टिनेशन फाइल क्रिएट कर देना है, जैसे इसका नाम वीडियो था, मैं इसको वीडियो 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको MKV लिख देना है, मतलब जो भी एक्सटेंशन पे आप इसको चेंज कर रहे हो वो एक्सटेंशन यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। देन आपको ये इसको सेव कर देना है एंड यहाँ पे कर देना है स्टार्ट। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टार्ट हो चुका है। एंड ये तो मेरा बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन आपका वीडियो अगर साइज़ में बड़ा होगा या फिर उसका रेजोल्यूशन बहुत हाई होगा तो वो प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको इसको ऐसे ही रख देना है, ये अपने आप हो जाएगा। तो मेरा तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वीडियो 1 फाइल है जो .mkv फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हुआ है। एंड ये MP4 था पहले, तो इसको प्ले करके दिखा देता हूँ कि वो सेम वीडियो है कि नहीं। आप देख सकते हो सेम वीडियो है। एंड आप देख सकते हो कि इसका साइज 5.03 MB था एंड इसका साइज यहाँ पे हो गया 2.23 MB, मतलब थोड़ा सा साइज कंप्रेस भी हो गया, लेकिन वीडियो क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्वालिटी एकदम ठीक ठाक ही है। ये एक्सटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है क्वालिटी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिले।